एनपीसीआई के डाटा के अनुसार 2023 में भारत में 2.2 ट्रिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, जो बहुत सारे देशों का जीडीपी का 10 गुना से भी ज्यादा है। और देखा जाए तो इस शताब्दी का भारत का सबसे बड़ा आविष्कार है यूपीआई, जिसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। यूपीआई ट्रांजेक्शन में अमेरिका और चाइना को पछाड़ते हुए भारत एक नंबर पे पहुंच गया है। आज चाय के दुकान से लेकर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी यूपीआई ट्रांजेक्शन से लेन देन किया जाता है, और साथ ही वीजा और मास्टर कार्ड जैसी पेमेंट सिस्टम को भी इस यूपीआई ने पछाड़ दिया है। इसलिए भारत बैंकिंग सिस्टम का गुणगान पूरे विश्व में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि भारत में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कब और कैसे हुआ था और क्यों आज यूपीआई सिस्टम को विश्व के बहुत बड़े बड़े देश यूपीआई सिस्टम को चालू करने को लेकर के बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं, और बैंकिंग सिस्टम का क्वेश्चन जब भी हमारे दिमाग में आता है तो प्राचीन भारत में बैंक से किस तरह से लोन लेते थे, यानी कि उस युग में भी क्या बैंकिंग की जो प्रथा है वो था। और इस बात को लगभग सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हमारे देश में बैंकिंग की प्रथा की शुरुआत किया था, और ब्रिटिश ने जो भारत में आधुनिक बैंकिंग सिस्टम चालू किया था, इसके पीछे ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था, ब्रिटिश के समय का कौन सा बैंक जो आज भी हमारे देश में है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस बैंक में आपका भी अकाउंट हो। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, आज का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है एक किस तरह से इतना पॉपुलर हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट तरीके का वीडियो लेकर के आया हूं, और इस वीडियो में आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले हमें इसे जानना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बैंक जो शब्द है ये कहां से आया है, अगर हम इतिहास को खंगालते हैं तो ये जानने को मिलता है कि प्राचीन समय में कुछ लोग टेबल और चेयर में बैठ के पैसे का लेन देन करते थे, और वो सारे टेबल ग्रीन कपड़े से यानी कि हरे कपड़े से ढके होते थे, और इन टेबलों को कहा जाता था बैंकू, और फिर उस बैंकू शब्द से ही बैंक शब्द आया है। लेकिन प्राचीन समय में आज की तरह बैंकिंग नेटवर्क नहीं था, लेकिन लेन देन का प्रथा जरूर था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी लेन देन की जो प्रथा है इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन तब करेंसी का ट्रांजेक्शन नहीं होता था और लोग सामान के बदले सामान का ट्रेड करते थे, यानी कि आपने अगर चावल दिया तो वो वहां से गेहूं मिलता था, और आप अगर गेहूं देते थे तो आपको अगर चावल चाहिए था तो आपको चावल मिलता था। इस तरह से प्राचीन युग में ट्रेड चलता था, और साथ ही उस समय में लोन लेने का भी प्रथा था, और उस लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। उनके टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था, अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसको परिशोध करना उनका नैतिक दायित्व है। साथ ही उस पॉलिसी में भी लिखा हुआ था, लोन लेन देन के आड़ में किसी का भी आप शोषण नहीं कर सकते। उसके बाद देश में बड़े बड़े मंदिर और मोनेस्ट्री का निर्माण होता है, और तब लोग अपने संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए गोल्ड और सिल्वर से और मोतियों से जरा मूर्ति का निर्माण करते थे, और उन मूर्तियों को मोनेस्ट्री और मंदिरों में रखा जाता था, और साथ ही इसकी नियमित हिसाब भी रखा जाता था, कितनी संपत्ति रखा है और कितना रिटर्न लेके जा रहे हैं। इन मंदिरों और मोनेस्ट्रीज में कुछ लोग रहते थे, और वो लोग इस संपत्ति को लोन में देते थे, और उस लोन से वो लोग एक इंटरेस्ट लेते थे। और आप लोगों को पता होगा उस समय हमारे देश में वर्ण जो भेद प्रथा थी, और एक वर्ण भेद प्रथा ये कितना भयानक था, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाता था ये भी जो वर्ण है उसके ऊपर निर्भर करता था, मतलब जो वर्ण है वही डिसाइड करता था कि किससे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता था,
और जो क्षत्रिय थे उनके लिए इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा, और जो वैश्य थे उनके लिए और थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देते थे शूद्र। और उस समय लोन के लिए अप्लाई करते ही लोन नहीं मिलता था। अगर कोई समाज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तो उनको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता था। जैसे किसी के पास जमीन जायदाद और कोई महंगी चीजें तो उनको लोन दिया जाता था। लेकिन अगर कोई लोन लेकर के रिटर्न नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके परिवार के जितने भी सदस्य है किसी को भी लोन नहीं देता था। अगर ये नियम आज भी लागू होता तो आपसे जिन लोगों ने पैसा लिया है उनके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको कभी भी पैसा नहीं मिलता। लेकिन अभी जो बैंक में लोन देने का सिस्टम है ये पूरी तरह से बदल गया है। तो प्रश्न यही उठता है, आपको अगर आज बिजनेस के लिए या फिर कोई गाड़ी खरीदने के लिए या फिर आईफोन खरीदने के लिए लोन चाहिए तो बैंक किस तरह से चेक करता है क्या इस लोन को रिटर्न कर पाओगे या नहीं? तो फ्रेंड्स, ये सभी बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, और ये क्रेडिट स्कोर लोन के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री होता है। आपने इससे पहले कितना लोन लिया है, कहां से लोन लिया है, और वो सारे लोन आपने सही समय पे दिया है या नहीं, इन्हीं के ऊपर बेस करके RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एक नंबर जारी करता है, जिसका नंबर जितना ज्यादा होता है उसको लोन पाना उतना आसान होता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर सोच रहे हो लोन लेने की, आपके लिए क्रेडिट स्कोर चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं जो लोन की बात कर रहा हूँ, इस लोन के लिए पहला बैंक भारत में ही चालू हुआ था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था ब्रिटिशर का। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम देख लेते हैं कि UPI क्या है और इस UPI को कैसे लाया गया और किस तरह से UPI इतना पॉपुलर हो गया। तो फ्रेंड्स, सन 2000 में RBI एक नया पेमेंट मेथड लेके आता है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने के लिए अब कस्टमर RTGS कर सकता है। लेकिन RTGS का एक नियम था, इसमें 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना होता था, लेकिन कभी कभी 2 लाख रुपए से भी नीचे का ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए लेके आया है नेफ्ट, ताकि 2 लाख रुपए से नीचे का भी ट्रांजेक्शन किया जा सके। लेकिन नेफ्ट में एक समस्या है, ये तुरंत नहीं होता था, इसके लिए मिनिमम आधा घंटे का वक्त लगता था, मतलब 30 मिनट के भीतर जितना भी ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट आता था वो सभी एक साथ भेजता था। तो इस पेमेंट सिस्टम को और भी फास्ट करने के लिए तब लेके आया है IMPS, जिसको आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होता है, और वो नंबर आपके बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए था, और इसके थ्रू एक अकाउंट से तुरंत दूसरे अकाउंट में पेमेंट भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर कोई नया अकाउंट ऐड करना होता है तो उसमें भी 30 मिनट का समय लगता है वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा भी इसमें छोटा मोटा पेमेंट किया नहीं जा सकता था, मतलब इसमें 10 या 20 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं होता था। मतलब आप कहीं शॉपिंग करने गए तो वहां पे आप पेमेंट कर सकते थे, मतलब मर्चेंट पेमेंट आप कर सकते थे। इस परिस्थिति में 2016 में मार्केट में लॉन्च होता है UPI। UPI से मोबाइल नंबर वेरीफाई करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसमें पर डे 1 लाख रुपया का लिमिट होता है। लेकिन लिमिट 1 लाख रुपया होने के बावजूद इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। UPI से आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे ऐसे 1 लाख रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और ऐसे में आपको अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ UPI ID भी क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ QR कोड स्कैन करके या UPI ID से ही लेन देन कर सकते हैं, और ये पेमेंट सीधा पहुंच जाता है बैंक अकाउंट में। और UPI का इस्तेमाल इतना इजी है, आज के समय में UPI पटरियों पे शॉपिंग मॉल या ग्रोसरी शॉप लगभग सारे जगह UPI पेमेंट सिस्टम उपलब्ध है, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का 2 ही पेमेंट सिस्टम है, एक है मास्टर कार्ड और दूसरा है वीजा कार्ड। ये लोग क्या करते हैं, 2 बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन करवाते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड आने से पहले
पहले आपका जिस बैंक में कार्ड है आपको उसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करना होता था, आप एक बैंक से दूसरे बैंक पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी एक बैंक से दूसरे बैंक पर ट्रांजेक्शन करना होता है तो एक बैंक से दूसरे बैंक को डाटा शेयर करना होता था, और कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि वो अपने कस्टमर का डाटा किसी और दूसरे बैंक के साथ शेयर करे, क्योंकि ऐसा भी होता है वो बैंक उनके कस्टमर को कोई अच्छा ऑफर देकर के उनके पास खींच ले। इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मार्केट में आया है वीजा और मास्टर कार्ड, और ये लोग एक मिडिलमैन के हिसाब से कार्य करता है, मतलब दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन कराता है। लेकिन कुछ बैंकों के बीच थोड़ा सा हाइपोक्रेसिस है। इस ट्रांजेक्शन के लिए वीजा और मास्टर कार्ड को अपने कस्टमर का डाटा शेयर करना होता है, और इसमें किसी बैंकों का कोई भी समस्या नहीं होता है। लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड का अपना कोई भी बैंक नहीं है, इसलिए सभी बैंक बिल्कुल निश्चिंत रहता है। और ये जो वीजा और मास्टर कार्ड एक मिडिलमैन की तरह काम कर रहा है, इसके लिए पार्ट ट्रांजेक्शन से 2-3% तक का चार्ज करता है। और आप मार्केट में यूपीआई का आने से सिर्फ स्कैनिंग करके वर्चुअल के माध्यम से आप एक बैंक से दूसरे बैंक पे पैसा भेज सकते हैं, और इसको कंट्रोल करता है NPCI, और इसके लिए दुकानों में शॉपिंग मॉल में कार्ड का ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब तक इसमें 2-3% का चार्ज लिया जाता था। लेकिन इसके विपरीत UPI ऐसी कुछ फैसिलिटीज कस्टमर्स को दे रहा है जो वीजा और मास्टर कार्ड कभी नहीं देता, जैसे क्रेडिट कार्ड में UPI चालू करना। इतना दिन आप सेविंग अकाउंट्स में जितना रुपया होता था उसी रुपये से आपको पेमेंट करना होता था, लेकिन अभी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उस लोन अमाउंट को भी UPI कर सकते हो, और साथ ही अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है फिर भी आप UPI कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है, इसके लिए जिसके पास आज स्मार्टफोन है उसके पास आपको UPI मिल ही जाएगा। और NPCI के डाटा के अनुसार 2023 में $2 trillion, मतलब 182 लाख रुपया UPI के द्वारा ट्रांजेक्शन किया गया है, और पूरे साल में लगभग $117 billion UPI ट्रांजेक्शन होता है। मतलब आप अगर किसी ठिए में चाय पीते हो या ऑटो का किराया देते हो उसमें 5-5, 10-10 रुपया भी शामिल है, तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो वहां पे भी UPI है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से UPI ने एक रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं शुरू में ही कहा था कि भारत में ये UPI एक बहुत बड़ा आविष्कार है, और भारत से ये टेक्नोलॉजी सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, भूटान और नेपाल, मॉरिशस तक पहुंच गया है, और फ्यूचर में बहुत सारे देश इस UPI सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे। तो मैं क्यों कह रहा था कि UPI सिस्टम से अमेरिका क्यों डर रहा है, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भारत के प्राचीन प्रथा से ये बैंकिंग का लेन देन ब्रिटिशर्स का क्या हाथ था। तो फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स पहले भारत में आया था बिजनेस करने के लिए, और भारत से स्पाइस और रेशम खरीद के अपने देश लेके जाता था। लेकिन भारत का कल्चर और भाषा की जगह पे जाने से क्या मिलेगा, ये सभी चीजें ब्रिटिशर्स नहीं जानता था। इसके लिए ब्रिटिशर्स कुछ एजेंसीज का हेल्प लेता था, और ये सभी एजेंसीज जो लोकल बिजनेसमैन है उनसे सामान खरीद कर ब्रिटिशर्स को दे देता था। इसके लिए ब्रिटिशर्स को सामान ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता था, साथ ही बातचीत करने और डीलिंग्स करने में कोई भी समस्या नहीं होता था। फिर समय के साथ साथ ब्रिटिशर्स इन एजेंसीज को सामान ज्यादा से ज्यादा देने के लिए प्रेशर क्रिएट करता था, तब एजेंसीज को लोकल बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता था, एक पूरा साइकिल बना लिया था। लेकिन लोकल जो बिजनेसमैन है उनके पास इतने पर्याप्त में रुपया नहीं होता था जिससे वो एक साथ में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सके, तो इसके लिए ये सभी एजेंसीज लोकल बिजनेसमैन को पैसे उधार दिया करता था, तो इसको आप लोन भी कह सकते हो। उस लोन के बदले एजेंसी लोकल बिजनेसमैन से एक इंटरेस्ट लेता था, और ऐसा भी नहीं कि उन एजेंसी के पास बहुत ज्यादा रुपया था, तब ये एजेंसी रुपये के लिए जो कॉमन पीपल है यानी कि जो साधारण लोग है
उनसे पैसा लेना स्टार्ट करता है। और वो लोग कहते थे कि आपका पैसा हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और इसके बदले हम आपको एक इंटरेस्ट भी देंगे। और इसके बाद जो साधारण लोग हैं इन एजेंसीज के पास रुपया रखना स्टार्ट किया और ऐसे में इन एजेंसीज के पास एक रुपया का फ्लो आ जाता है और दूसरी ओर ये पैसा लोकल जो बिजनेसमैन है उनको एज ए लोन देता था। और ऐसे ही मद्रास में जो आज का चेन्नई है 1683 यानी कि 1683 में एक बैंक का निर्माण होता है जिसका नाम द मद्रास बैंक। और जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं उस टाइम हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसी एजेंसीज था और इन एजेंसीज के बिजनेस में बहुत बड़े बड़े जो रईस सेठ है वो भी जुड़े हुए थे। और यूरोप में हमारे देश के एजेंसी के साथ जुड़े जो सेठ थे उनका एक अच्छा प्रभाव भी था। मतलब इंडिया का जो छार पत्र होता है यानी कि जो लेटर होता है वो देख करके ब्रिटिशर्स बिजनेस करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े जो सेठ है इनसे ब्रिटिशर्स भी पैसा लिया करता था। लेकिन समस्या तब हुआ कुछ बड़े सेठ दुनिया से अलविदा कह गए और उनका जो जगह है वो वैकेंट हो गया और वो जगह वैकेंट होने की वजह से ब्रिटिशर्स वो जगह अपने कब्जे में ले लेता है। फिर 1770 में यानी कि 1770 में ब्रिटिशर्स कोलकाता में बैंक ऑफ इंडिया का शुभारंभ करता है और यही वो बैंक है जिसने भारत में सबसे पहले कागज का नोट स्टार्ट किया था। फिर ब्रिटिशर्स धीरे धीरे हर एक स्टेट में बैंक का निर्माण करता है। फिर 1836 में ब्रिटिशर्स स्टार्ट करता है प्रेसिडेंसी बैंक। 1840 में स्टार्ट करता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। 1843 में स्टार्ट करता है मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक और इस बैंक को रन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सिपाही विद्रोह के बाद 1857 के बाद ये सभी बैंकों का कंट्रोल चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। 1921 में ब्रिटिशर्स बंगाल बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक को एक ही साथ मार्च कर देता है और इससे एक नया बैंक का शुभारंभ होता है जिसका नाम दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं लंच के बाद आइए कहने वाला जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही वो इंपीरियल बैंक है। आजादी के बाद एक बिल पास करके इस इंपीरियल बैंक का नाम को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की धरोहर भी है और साथ ही ये आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। और आरबीआई का शुभारंभ करने को लेकर के भी एक कहानी है। 1929 में जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था तब पूरा विश्व में आर्थिक समस्या देखा गया था जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है और इससे बड़े बड़े बैंक टूट रहा था। तब ब्रिटिशर्स इंडिया के सभी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण करता है और 1935 में जब आरबीआई का निर्माण होता है उस समय हर कोई आरबीआई में जाकर के अपना अकाउंट खोल के पैसा रख सकते थे यानी कि ट्रांजेक्शन कर सकते थे। लेकिन आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिक ट्रांजेक्शन यानी कि आम लेन देन को बंद कर दिया जाता है और वर्तमान में आरबीआई भारत के हर एक बैंक को कंट्रोल करता है। और इस आरबीआई के लिए ही इस सेंचुरी का सबसे बड़ा आविष्कार है यूपीआई। तो फ्रेंड्स भारत का ये बैंकिंग हिस्ट्री आपको कैसा लगा? आप पर डे कितनी बार यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव फन।